तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे सेकंड ब्लॉग में। अभी टाइम हुआ है सुबह के 5:30 और हमने शेषनाग को छोड़ दिया। अब हम जा रहे हैं गणेश टॉप। तो गणेश टॉप जो है चढ़ाई है, वो सामने जाना। अभी तो यहाँ से आज हम कोई 20 किलोमीटर का सफर तय करेंगे भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो फिर से हमारे तो जतिन खत्म हो गया। जतिन थोड़ा बीमार हो गया था रात को, थोड़ा मन खराब हो रहा था, ऑक्सीजन इसकी थोड़ी कम आ रही थी, बट अभी ठीक है, कुछ खाया भी है, कोई चक्कर नहीं। लेकिन दलेर आदमी है, पुजारी आदमी हमारे से सबसे ज्यादा, तो ये तो सबसे पहले पहुंच जाएगा। देखो जी, रास्ते में हमारे ग्लेशियर भी है अभी, और हमने यहाँ से वो पुल क्रॉस करना है, उसके बाद ये ऊपर वो दिखाओगे अगर आपको तो वो लोग चल रहे हैं। चारों तरफ बरस रहे पहाड़ है, और अभी हम गणेश टॉप पहुंचे भी नहीं है। एक घंटा तो नहीं, मैं 40-50 मिनट हो गए चलते हुए, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं। तो जी अभी हम पहुंचे हैं वब्बल टॉप। तो जो महागणेश टॉप है अभी भी 1 किलोमीटर दूर है, और हमें सामने जाना है। अभी आपको दिखाता हूँ कि लोग कहाँ पहुंच गए। सामने ये टॉप जो है गणेश टॉप है। तो जी अभी मैं पहुंच गया हूँ एमजी टॉप, महागणेश टॉप। 14,800 फीट की ऊंचाई है, और ये देखो जी घोड़े वाले चल रहे हैं। यहाँ पे है कि थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है, और ये हमारे जतिन जी, दो कान और लटकाए इन्होंने, कपूर साहब, और वो बिहारी बन गए हैं नहीं फिर से आज। लेकिन ये है कि बाहर देखो बहुत कम लोगों का यहाँ वीडियो आता होगा, क्योंकि यहाँ पहुंच के वैसे ही आदमी की बात हो जाती है, तो कैमरा निकालने का तो मन करता नहीं है। थोड़ा डीट बन गया आज। तो चलो अब बस इसकी आगे थोड़ी उतराई है, फिर एक संगम टॉप आएगा, उसके बाद भवन आएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। जब हम चलो एमजी टॉप से पैंतरनी की तरफ, तो बिल्कुल दोनों साइड आपके बर्फ है। की वाले यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पालकी फंस गई थी, अब ये बेचारे वापस आ रहे हैं। अभी इस तरफ से आएंगे, कितनी छोटा सा रास्ता है पालकी के लिए, और चारों तरफ स्नो ही स्नो है। लोग बड़े आराम से आ रहे हैं आहिस्ता। अब ये इस तरफ से आ रहे हैं बेचारे। तो जी अभी तो हम उतर रहे हैं एमजी टॉप से, महागणेशा टॉप से नीचे आ रहे हैं, तो आराम से, और मैं सबसे आगे हो गया हूँ उतरने में, मैं सबसे आगे आ गया हूँ। अब ये पीछे आ रहे हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आ रहे हैं, कहाँ गए, आइए रे, ये तीनों आ रहे हैं, सुधांशु, जतिन और हनी। तो अभी आगे उतरते ही जाना, हमने 45 तक उतराई है, उसके बाद चढ़ाई आएगी संगम टॉप की, तो बस संगम टॉप के बाद सीधे भवन। तो अभी हम यही प्लान बना रहे थे कि वापसी का रखेंगे इसे बालटाल के थ्रू, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी लेंथी है, बेशक हमारी गाड़ी वापस लगा लगी है, तो कोई गाड़ी है बस करके पहुंच जाएंगे पहलगाम वापस। देखते हैं अभी आगे जाके क्या बनता। तो ये चल रहे हैं हनी, और ये देखो घोड़े थे, सरदार अंकल भी हैं, घोड़े की पूरी लाइन आ गई। बड़ी ज्यादा भक्ति चाहिए यहाँ पहुंचने के लिए। हाँ ऐसे कोई नहीं आ सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अंकल हमसे आगे निकल गए हैं वैसे, क्योंकि एज है काफी।
आ गए पंचतरनी में, और पंचतरनी में ग्रीनरी देखो अच्छी है, पहाड़ भी सुंदर है और ये बिल्कुल वैली है। अभी हमारे सामने एक हेलीकॉप्टर निकला, वैसे यहाँ से बड़ा मैजिकल दिखता है, हम दिखा पाते, कोशिश करूंगा एक वीडियो लेने की इसकी। सुंदर जगह यार जी। अभी मैं पहुंच गया पंचतरनी, यही वो जगह है जहाँ से बालताल वाले श्रद्धालु और दूसरी जो दूसरा रास्ता है शेषनाग वाला, वो भी यहाँ के मिलते हैं। और यही स्टॉप है हेलीकॉप्टर का भी, हेलीकॉप्टर इसके आगे नहीं जाता, इसके आगे 6.5 किलोमीटर में पैदल ही चलना होता है। इसके बाद आपने संगम टॉप आता है कोई 2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद, और उसके बाद सीधे अंकल धामा धामा बाबा भोलेनाथ का, भोलेनाथ का महल। बस पंचतरनी कैंप एंटर करने से पहले यहाँ हमारी चेकिंग होगी। तो पंचतरनी कैंप एंटर करने से पहले यहाँ पे हमारी चेकिंग हो रही है। ये देखो लाइन लगी हुई है, वो आगे पुलिस वाले खड़े हुए हैं और सबसे आगे एसआई साहब जा रहे हैं आयुष शर्मा। बस इसके बाद हम डायरेक्ट जा सकते हैं, अगर ये क्रॉस नहीं करो 1 बजे से पहले तो ये यहाँ पे रोक लिया जाता है। तो ये जी पंचतरनी से जा रहा है हेलीकॉप्टर, एक ये जा रहा है और दूसरा लैंड करेगा। तो अभी हम चल रहे हैं कहाँ, पंचतरनी से निकले हैं 3.5 किलोमीटर संगम टॉप के लिए, 2.5 किलोमीटर कवर कर लिया, 2.5 किलोमीटर कवर कर लिया। तो अभी मैं और साथ में है, सॉरी क्रैक करता हूँ मैं, हम 3.5 चल चुके हैं, अभी 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर हो गया। देखते हैं, बाकी सुधांशु और रानी आगे पहुंच गए हुए हैं। डेढ़ दिन के अंदर हम मतलब बिना सोए आज बालटाल से वापस जाएंगे। आज हम आए हम पहलगाम वाले रूट से थे और जाना बालटाल से वापस। तो अभी हम पहुंच गए संगम टॉप और वो घूम के, वो सामने दिख रहे होंगे लोग आपको, अभी हम घूम के वहाँ जाएंगे। ये मेरे आगे चल रहे हैं जतिन साहब और वो देखो वो सामने जाना है हमने। ये वीडियो दिखाओ, हाँ ये वीडियो अगर एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है तो भाई इनका कुछ नंबर कम करो या इनके लिए अलग रूट बनाओ, इन्होंने इतना टाइम लगवा दिया है और दोनों तरफ चलने नहीं देते हैं। लेफ्ट जाओ तो बोलते हैं राइट जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट लेफ्ट से पहले आगे जाते हैं फिर राइट से वापस आते हैं। तो जी हम पहुंच गए बिल्कुल अमरनाथ केव के पास, और अब देखो यहाँ पे कम से कम भी 10,000 घोड़ा खच्चर तो इधर ही है, पूरा कीचड़ से चलना पड़ रहा है हमें, और सामने है गुफा, एक आधा घंटा लग जाएगा हमें वहाँ पहुँचने में। अब उसके बाद देखते हैं वापसी का क्या करना है दर्शन करने के बाद। तो जी हम चारों पहुंच गए यहाँ पे अमरनाथ यात्रा पूरी करके, आप मेरे पीछे गुफा देख सकते हो। तो मैं थैंक यू करूंगा इन तीनों बंदों का मेरे साथ जो इन्होंने तैयार हो गए आने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार किया था, बट इन्होंने मेरे को बड़ा हौसला कराया और मैं यहाँ पे पहुंच गया। राजा जी जिंदाबाद। तो ये देख सकते हो जूम नहीं हो रहा, अत्यंत हम पहलगाम के रास्ते से आए थे, ये गुफा सामने, ये है पवित्र गुफा, और अभी हम वापस बालटाल वाले रास्ते से, सांस इतनी चढ़ रही है चल चल के, ऐसी हालत हो गई है कि, लेकिन अभी 14 किलोमीटर चलना है। तो 20 किलोमीटर आज वहाँ से चला शेषनाग से भवन तक, और अब भवन से 14 किलोमीटर जाना है बालटाल सीधे, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। Thank you.
तो अभी बाल डाल के रास्ते वापस उतर रहा हूँ। उतरते उतरते रात हो गई है, पर यह है कि इस रास्ते में लाइटिंग का बुरा हिसाब है, पूरा बंदोबस्त है। बस अपने वो लास्ट में नीचे जाना है जो लास्ट की लाइटें चल रही हैं। अभी टाइम हो गया 9:20, तो हम पहुँच गए नीचे बालटाल। बस आज रात को यहीं पे स्टे करेंगे और कल सुबह निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। बस यहाँ पे सुविधा है रहने की, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, बस वहीं पे रहेंगे और चल जाएंगे वापस। तो गाइज़ आपको मेरी आंखें लग रही होंगी थकी हुई क्योंकि अब हम पहुँच गए हैं टेंट पे, तो बस अब यहीं पे सो जाना है और सुबह निकल जाना है घर वापस। बहुत थके हुए हैं, ये देखो ये जतिन सोया हुआ है और ये देखो जी सुधांशु, मोबाइल में शुरू हो गए हैं करना पर हिम्मत किसी में नहीं है अभी। तो अब मैं अपना व्लॉग बंद कर रहा हूँ, अब जाके जम्मू में एडिटिंग करके जाके आपको व्लॉग दिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और स्टोरी डाल ली है।